एक बार क्विकली देख लेते हैं क्या होता है। 3 × r × 3 आज जो है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अपॉन 100 लिखने की जरूरत नहीं, परसेंटेज नहीं है ना। एक होता है अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू व्हाट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब है कंपाउंड इंटरेस्ट सी आर, उसके लिए अगर ए का फॉर्मूला लिखूं मैं, विच इज अमाउंट आफ्टर इंक्लूडिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये होता है ए प्लस सी आर या ई 1 + r की पावर n। ठीक है, यहाँ क्या है, वेयर n इज टाइम, r इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं हम, जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एनुअल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ अजम्पशन क्या है, कंपाउंडिंग एनुअली। ठीक है, अगर ये हाफ ईयरली होगा कंपाउंडिंग तो क्या होगा, अगर हाफ ईयरली होगा तो क्या हो जाएगा, आर जो है वो आर बाय टू हो जाएगा और एन जो है वो क्या हो जाएगा, टू एन। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अब हाफ ईयरली हो रहा है तो आधा कर दिया हमने, और एन जो है वो क्या है, टाइम था, एक ईयर में कितने हाफ ईयर्स हैं, टू हाफ ईयर्स हैं, ट्वाइस कर दिया। ठीक है, ये जो है वो इन ईयर्स था पर एनम। अगर हम इसको करें क्या, क्वार्टरली, क्या करते हैं, अगर इसको हम क्वार्टरली कंपाउंडिंग करते तो क्या हो जाता, आर हमारा हो जाता आर बाय 4 और एन जो हो जाता वो क्या हो जाता, 4 एन, क्योंकि एक ईयर में 4 होता। अब अगर इसको हम और कंपाउंडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम मान लो बोलते हैं कि हम मंथली कंपाउंडिंग करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, आर बाय 12 और टाइम क्या हो जाएगा, 12 एन। अगर हम बोलते हैं कि पर डे करते हैं तो क्या होगा, तो रेट आर बाय 365 एन हो जाएगा, 365 एन। अगर हम बोलते हैं कि रेट हम जो है कंपाउंडिंग करेंगे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, यानी कि इनफिनाइट टाइम्स कंपाउंडिंग करो तो क्या हो, तो आर बाय जो है इंफिनिटी टाइप का चीज होगा और एन भी जो है वो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी का टाइप का चीज होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर n। ठीक है, क्या है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर n, ये हो जाता है e, क्या हो जाता है, ये e, e क्या है, e एक ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर है, जैसे कि पाई होता है इरेशनल नंबर, उसका वैल्यू 3.14 15 के आसपास होता है, ऐसे ही का वैल्यू जो है वो किसके आसपास होता है, 2.718281828 सो ऑन, है ना। तो ये एक नंबर बन जाता है, हमें क्या करना है, अगर इसको हम कंपाउंडिंग करेंगे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग तो हमको क्या हो जाएगा, ये पी जो है 1 + r/∞ टाइप का चीज हम कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, r/n कर रहे हैं, या जितने पार्ट्स में बांटना है
ये टी पार्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, टी पीरियड से। तो इतना ये हो गया, एंड एन जो है वो क्या हो जाएगा, टी पार्ट में बढ़ जाएगा, है ना। हमने देखा ये फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कुछ है रिलेशन, क्या क्या रिलेशन, कि टी पीरियड जितना पार्ट में बांट रहे हो वो यहाँ है, और ये टी से जितना ईयर था उसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये ई बनने के लिए फॉर्मूले में क्या चाहिए था, कि यहाँ जो चीज है वही चीज क्या होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। क्या देख रहे हैं, जो ये यहाँ जो वैल्यू है वही वैल्यू क्या होना चाहिए, ऊपर भी होना चाहिए, राइट। हम क्या करेंगे, इसको कैसे वो बनाएंगे, इसको हम बनाते हैं 1/1 upon t/r लिख सकते हैं अपने मन से, इस r को नीचे लिख के आप। और क्या किया हमने, ये अपने मन से t/r पावर में डाल, क्या कर दिया, t/r पावर में डाल, ये तो था नहीं, तो हमने अगर अपने मन से डाला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टा भी करना पड़ेगा, r by t भी करना पड़ेगा, ठीक। और ये पहले से क्या था, n और t था, तो वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारा काम, तो ये हमारा वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको t 1 upon t/r ये t और t कैंसिल हो जाएगा, ये r n रह जाएगा, क्या रह जाएगा, r n रह जाएगा। When हम जब कंपाउंडिंग कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली तो ये t जो है वो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। कितने टाइम, कितने बार करना है, कितना पीरियड है उसमें, इनफिनाइट पीरियड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी t 1 upon t/r t/r और इस होल की पावर n r, और इस पूरे की वैल्यू जो देखो यहाँ से क्या हो जाता है, वो e हो जाता है। तो ये क्या हो गया, e की पावर n r, क्या हो जाएगा, e की पावर n r। तो यही हो जाता है फॉर्मूला a का, जब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, जब हम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करेंगे तो a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e की पावर n r, where e is what, principal, e is what, e is a transcendental irrational number जिसकी वैल्यू वो है, ठीक है, n क्या है, number of years, r क्या है, rate of interest, ठीक है, annual rate of interest, ठीक। लॉग में बेस चेंज फॉर्म, क्या कहता है, ये कहता है लॉग ऑफ समथिंग से सी ऑन द बेस ए कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ बी ऑन द बेस ए इनटू log of c on the base b, क्या लिख सकते हैं, कि log of c on the base a is equals to log of b on the base a into log of c on the base b। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन के लिए वैल्यू लिखूं तो हम क्या लिख सकते हैं, log of c on the base b can be written as
log of c on the base a, log of b on the base b. ठीक, अब बोलोगे इससे क्या, इसी को बोलते हैं बेस चेंज प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें बेस क्या था b, और इसमें दोनों में क्या है, दोनों में बेस है a. इससे फायदा ये होता है, अगर हमें एक लॉग टेबल दिया हुआ है, कोई भी लॉग टेबल हमको मिल गया, तो हम दूसरे बेस में लॉग टेबल निकाल सकते हैं. जैसे हमें जो बेस अगर दे दिया, लॉग टेबल जो है हमारा वो है से बेस 10, क्या दिया हुआ है बेस 10, और हमें निकालना है वैल्यू लॉग बेस ई में, इसमें निकालना है लॉग बेस ई. तो कैसे काम करेंगे, तो मान लो मुझे निकालना है log of से 2 on base e, हम क्या करेंगे इसको, हम बोलेंगे log of 2 on base 10 divided by log of e on base 10. ठीक, तो इस टेबल का वैल्यू, इसका वैल्यू log base 10 से निकाल दिया, इसका भी वैल्यू हमने log base 10 टेबल से निकाल दिया, और उससे क्या निकल गया, log of 2 on base e निकल. यूजुअली इसको log को on base e में ln दिखाते हैं, क्या लिखते हैं ln, ln लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, base e है. या उस कंटेक्स्ट में देख के तुमको समझना पड़ेगा कि base 10 में लिखा हुआ है या base e में लिखा हुआ है. ठीक है, अगर हम क्वेश्चन ये वाला देखें, कौन सा एग्जाम्पल 23, वो बोल रहा है क्या कि रेट क्या होगा, रेट हमारा क्वेश्चन है, जबकि n दिया हुआ है क्या 10 इयर्स, a दिया हुआ है डबल हो जाएगा 2e, और प्रिंसिपल जो है वो p जो है वो p है, a जो है वो 2p है, n जो है 10 ईयर है, आज जो है क्वेश्चन है, और कंपाउंडिंग जो है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, राइट. तो क्या हम बोल देंगे इसको, ए इक्वल्स टू, हमें मालूम है क्या होता है, ERN, राइट. ई क्या, ए क्या था, टू ई, और n था ये, तो 10 p तो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, e की पावर 10 r इक्वल्स टू 2, टेकिंग log बोथ साइड्स ऑन बेस e, इसके बेस में हमने लिया e के बेस में, तो क्या हो गया, log of e की पावर 10 r on base e equals to log of 2 on base e. अब एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n equals to n log m, तो ये पावर जो है वो आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 r log e on base e equals to log of 2 on base e, और log of a to the base a जो है वो 1 हो जाता है, same base में अगर बोले तो 1 हो जाता है, इस पूरे वैल्यू, इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. तो 10 r equals to log of 2 on base e. अब log का जो टेबल है तुम्हारी किताब में दिया हुआ, वो 10 के बेस में दिया हुआ है, तुमको इसको 10 के बेस में बदलना पड़ेगा, हम 10 के बेस में बदल लेते हैं, तो क्या रहेगा, log of 2 to the base 10 divided by log of e to the base 10. और वैसे याद भी रखना चाहिए, at least log 10 तक का value on base 10 याद रखो, है ना, और कुछ important value भी, जैसे log of e on base 10 भी ऐसे याद रखना चाहिए. जैसे log 2 का value होता है 0.41 something, sorry 0.301, तो ये क्या हो जाएगा 0.301, और log of e to the base 10 जो है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.4343. ठीक है,
ये वैल्यू डाल दिया तो यहाँ से आर निकल जाएगा ना, आर क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू 0.301 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.4343 राइट। इसका कैलकुलेशन कर लो तो वो क्या हो गया हमारा, आर की वैल्यू हो गई वो रफली आ रहा है कितना 0.069 विच इज 6.9% पर है। तो यही हो गया रेट, यानी कि अगर हम 10 साल तक के लिए एक अमाउंट को क्या करें, इन्वेस्ट करें और कंपाउंडिंग जो है वो कंटिन्यूसली हो रही है तो 6.9% का अगर रेट रहेगा तो वो डबल हो जाएगा 10 साल। आई बात ना, ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत, इसमें चार चीजें हैं इस फॉर्मूले में, चार चीजों के बीच का रिलेशन है ए पी आर और एन, तीन चीज बता देगा, चौथा चीज तुमसे पूछेगा, बताओ।